वहीं राज्य में ओमिक्रोन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विधानसभा चुनाव और रैलियों को स्थगित किए जाने के संबंध में याचिका पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई नहीं हो सकी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के अवकाश पर होने की वजह से याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने मामले को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सोमवार को सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर खंडपीठ ने कहा था कि इस मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुन रहे हैं और रेगुलर बेंच की ही इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। पिछली तारीख को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को एक नोटिस भी जारी किया था, इस मामले पर जवाब पेश करने के लिए कहा गया था, जिसकी सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय हुई, लेकिन जो सुनवाई है वो कल नहीं हो पाई। कमल जगाती हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, कल सुनवाई की तारीख तय की गई थी, कल सुनवाई हो नहीं पाई, क्या आज उस सुनवाई हो सकती है या आगे होगी, कोई जानकारी इसको लेकर? जी मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्यतः जो कोविड को लेके सारी रैलियों को लेके एक याचिका दायर करी गई थी और ये याचिका उसी वक्त क्लब कर दी गई है जो पहले से याचिकाएं चल रही थी कोविड नियमावली को फॉलो कराने के लिए। तो इसमें जो न्यायमूर्ति बैठे थे उन लोगों ने ये कहा है कि मुख्य न्यायाधीश की जो बेंच है वो इसे सुनती है, लिहाजा उसी के लिए इसको रखा जाए और मुख्य न्यायाधीश ही इसे सुने तो बेहतर रहेगा। तो इस नजरिए से अगर हम देखें तो आने वाले समय में जब मुख्य न्यायाधीश की अभी छुट्टी पे हैं, जब वो लौटेंगे और वो बेंच बैठेगी तभी ये इस पर सुनवाई हो सकेगी। यानी कि कमल थोड़ा इंतजार अभी सुनवाई के लिए और करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।